सुबह सुबह हमारे साथ स्कैम हो गया आज तो दोस्तों बारिश भी शुरू हो चुकी है। ओ भाई आज भी बारिश जरा सही है। सफाई कर रहे हैं आज तो। गुड मॉर्निंग दोस्त, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? मजा नहीं आ रहा है। तो दिन है आज वेनसडे और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज हम कुछ हेल्दी बनाने वाले हैं। आज हम लोग बनाएंगे जो भुट्टा का चीला होता है, मतलब कि वैसे बेसन का चीला बनाते हैं, दाल का चीला ही बनता है, बट आज हम लोग भुट्टा का और चने की दाल का चीला बनाने वाले हैं। तो चलो फिर घर वाले तैयारी शुरू कर चुके हैं, जाके देखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं भुट्टा का चीला। चने की दाल हमने कल भिगा के रख दी थी रात को ही। तो ये हमने 1 किलो भुट्टा लेके आया था, मैं 3 भुट्टा है बस ये 1 किलो में। तो वो भुट्टा है खाली, किसके छिलकों का वजन है खाली, पांच छिलके छिलके का वजन है। दोस्तों ये भुट्टा निकला है, इस भुट्टे से क्या बनेगा चीला। तो कोई नहीं, अब जितना भी आया है अब वहाँ मुझे पता नहीं चला, अंदर तो मैं देख ही नहीं पाया कि भुट्टा तो बड़ा मोटे मोटे थे बट निकला इतना सा। तो दोस्तों पता नहीं क्या सुबह सुबह हमारे साथ स्कैम हो गया आज तो, है भुट्टा चीला तो भुट्टे के अंदर भुट्टा ही नहीं। और इसकी देखो ना, बिल्कुल एकदम इतने बड़े भुट्टे में गिन के भी 10 दाने 50 दाने भी नहीं होंगे। तो चलो कोई नहीं, अब जितना भी है उतना बनाएंगे। जितने बीज है ना, सारे के सारे भुट्टा जो है वो निकाल लेंगे इससे और फिर जो है दाल के साथ इसे पीस लेंगे। चने की दाल थी वो हमने कल ही भिगा दी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये चने की दाल है। आज तो सुबह का ब्रेकफास्ट यही है, हेल्दी खाएंगे कुछ, बहुत दिनों से थोड़ा तेल तेल वाला खाना भी खा रहे थे तो आज हेल्दी खाना खाएंगे। तो भुट्टा हमने छील लिया है एकदम और धो धा के एकदम साफ कर लिया है और ये दाल जो हमने भिगाई थी वो भी हमने अब मिक्सी में डाल दी है। तो उसमें थोड़ा सा उसका मसाला डाल देंगे, जैसे उसमें डाल देंगे हल्दी, धनिया और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और अभी डाल देंगे जो भुट्टा हमने छील लिया था, ये भुट्टा डाल देंगे और इसे अब पीसना है। तो हमने पीस लिया ऐसे, अब इसे इस बॉल में डाल देते हैं। इसमें जो पानी है डालकर इसे भी हम लोग डाल देंगे, पूरा साफ कर लेंगे कि थोड़ा थोड़ा हमें पतला भी चाहिए ऐसे ना, तो उसको थोड़ा मिला लेंगे जितना ही पानी था। और शायद थोड़ा सा और पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये मोटा है ना, थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे। तो दोस्तों टोटल पीसने में हमने आधा कटोरी यूज किया था और ये अब थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो हमने आधा कटोरी और डाल दिया, मतलब कि छोटी कटोरी एक डालेंगे पूरी। दोस्तों अब चीला बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पैन गर्म हो गया है और इसमें हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। हम लोग सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम लोग अपना ये जो बैटर बनाया था वो डाल देंगे और हाथ से फैलाएंगे क्योंकि ये वैसे तो फैल जाता है, हाथ से फैलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। थोड़ा सा इसमें ऊपर तेल भी डाल देंगे दोस्तों, इसको थोड़ा ढक देंगे कि अंदर भाप बने और अच्छे से हमारा ये पक जाए और फिर इसको पलट देंगे हम लोग और इसको अब अच्छे से निकाल लेंगे और इसको पलट देंगे और उसको दूसरी साइड से ही पका लेंगे। तो ये हमारा चीला वो बन के हो गया तैयार, अब सारे के सारे बना लेंगे जितने बचे हुए सारे के सारे बना लेंगे। तो जब तक चीला बन रहा है तब तक हम लोग चटनी की तैयारी कर लेते हैं और चटनी की तो चटनी बनाएंगे हम लोग पुदीना की। तो गार्डन से पहले जाके पुदीना लेके आ जाते हैं चटनी, क्योंकि लहसुन लहसुन डलेगा नहीं, तो नॉर्मल पुदीना और हरी मिर्च और अदरक वगैरह डाल के चटनी बनाएंगे। तो दोस्तों हरी मिर्च भी ले लिया और पुदीना भी ले लिया, तो अब घर चलते हैं। तो दोस्तों चटनी बनाना शुरू करते हैं। हमने ये पुदीना ले लिया है और ये हरी मिर्च जो हम लोग लेके आए थे और थोड़ा सा हम अदरक, तो फ्रिज में एक आम भी पड़ा हुआ था, इस आम को भी चटनी में डाल देंगे कि फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो फटाफट से आम को छील लेते हैं और इसमें डाल के, दोस्तों ये आम छील के इसमें आम भी डाल दिए और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे हम लोग
और उसके बाद फिर इसको पीस लेंगे। तो दोस्तों हमारी चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है, पुदीना और आम की, तो बढ़िया लग रही है सर। तो खाने में, अब खाने में देखते हैं कैसी होती है। और हमारे चीले भी बनके रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बचा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट चीला ही बनके तैयार हो चुका है, इसको पलट देंगे। सारे के सारे चीला बन चुके हैं। चलो दोस्तों हमारे चीला बनके रेडी हो चुके और अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट टाइम। तो उसको बढ़िया से एकदम नहा लिया है और हमारी चाय भी यहाँ पे बन रही है, तो चलो फिर नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों चीला बनाया आज, चटनी बनी है और चाय, तो फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग भी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। और वैसे तो ये हर सबको पसंद आता है, टेस्टी इतना ज़्यादा होता है और उसको चटनी वगैरह साथ खाते हैं। वैसे तो आलू की सब्जी के साथ भी आप खा सकते हैं और स्टफिंग भी आप इसके अंदर भर सकते हैं, इसके जैसे पनीर वगैरह ये सब भी चीज़ भर के बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो ट्राई करना भुट्टे का चीला बनाने का। और वैसे अभी घर वाले सफाई कर रहे हैं आज, तो सफाई चल रही है किचन की, तो किचन की सफाई कर लेते हैं। और मौसम कुछ हो तो रहा है ख़राब सा, बादल वगैरह आ रहे हैं, तो यदि बारिश नहीं होती तो हम लोग अपना गार्डन वाला एरिया भी जाके साफ करेंगे। तो चलो पहले किचन की सफाई कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो एकदम बेकार हो, गंदगी से हो गई थी, तो उसकी भी सफाई कर ही रहे हैं। और बारिश का मौसम अब बस होने वाला है, बादल तो हो गए हैं और शायद बारिश भी हो जाएगी। और यहाँ बिल्लू बदतमीजी करते हुए मिला। तो दोस्तों बारिश भी शुरू हो चुकी है, ओ भाई हवा चल रही है भयंकर, एकदम मस्त बारिश हो रही है। ओ बारिश हो गई, बारिश हो रही है, देख रहा हूँ बारिश हो रही है, बारिश ना बहुत तेज हो रही है ना, पूरा सफेद हो गया देखो। चलो बढ़िया, बारिश हो रही है तो फटाफट से खाना खाएंगे, खाने का टाइम भी हो गया। दोस्तों लंच बना है, दाल भात पापड़ और ये फ्राई मिर्ची है और चटनी। तो पहले फटाफट से खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो खा लेते हैं पहले। तो पहला खाना भी खा लिया है और बढ़िया बना है, दाल चावल, दाल भात खाने में अलग ही मज़ा आता है। लगभग लगभग एक डेढ़ घंटा तो हो चुका है बारिश होते हुए और एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बढ़िया है बारिश अच्छी हो रही है। अब बाहर तो कुछ कर सकते नहीं है, गार्डन एरिया साफ करें तो गार्डन एरिया भी साफ नहीं कर सकते, चलो जो भी है। दोस्तों वीडियो को देरी एंड करते हैं, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चले मिलते हैं कौन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम।